हाय गाइस, आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के लास्ट टॉपिक लास्ट में आ गए। हम लोग देखेंगे लास्ट में ये कि किस तरह से सैयद डायनेस्टी और उसके बाद लास्ट में लोदी डायनेस्टी को तुरंत ख़त्म हो जाएगा। दिल्ली डायनेस्टी को एक बार पहले बाबर ने ख़त्म किया, आज हम लोग ख़त्म कर देंगे। क्या हम लोग बस ये करेंगे कि उन लोगों का क्या हुआ पढ़ के ख़त्म करेंगे, और उन्होंने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था। हम लोग पहले सैयद डायनेस्टी की बात करते हैं। सैयद डायनेस्टी, ठीक है, 1400 से लेके 1451 तक, ये टोटल कितना साल तक किया उनके? चलिए 37 साल तक। बस खिलजी वंश से 7 साल ज़्यादा कर लिया। खिलजी वंश से कितना गया था? 1320 तक, 1290 से लेके 30 तक वो किया था। सबसे कम किसने किया? खिलजी वंश ने। तो ऐसे ये उतना काम नहीं करेगा जितना खिलजी वंश में हुआ है। देखिए सैयद डायनेस्टी में हम लोग क्या देखें कि जब लास्ट उसके तुगलक वंश के लास्ट शासक को खिजर खान ने उसको हराने में साथ दिया, नसीरुद्दीन मसूदा को। तैमूर ने आक्रमण किया था तो उसका साथ किसने दिया? खिजर खान ने। ये जो खिजर खान है ये आदमी डरपोना बहुत था। ये दरअसल पंजाब के सूबेदार थे उसकी मसूद की शासनकाल में, तुगलक वंश के शासनकाल में, तो सूबेदार उनका थे। इससे ज़्यादा सवाल, मेन सवाल यही आएगा कि ये पहले थे क्या? तो ये सूबेदार थे, कहाँ के? पंजाब के सूबेदार थे। सूबेदार कहाँ का है? पंजाब का। लेकिन जिस तरह जैसे ही तैमूर आक्रमण किया उसके तुगलक वंश के अंतिम शासक को ख़त्म किया, उसके बाद से क्या हुआ, ये खुद इसको शासक बना के गए। शासक नहीं बनाइए आज तक खुद को, मतलब लास्ट तक शासक घोषित नहीं किया। ये कह रहा है तैमूर का दिल्ली का सूबेदार बन के रहा। दिल्ली का सूबेदार बन के कौन रहा? लास्ट तक रहा, कभी सुल्तान नहीं बना। ये कभी जिंदगी में सुल्तान बना क्या? सुल्तान घोषित ही नहीं किया अपने आप को, इसलिए क्योंकि उसको बहुत ही डर लग रहा था। एक नंबर का डर पुतना था। ये बकलोल को हमेशा लगता था अगर हम गलती से अगर सुल्तान बन गए, सुल्तान बन जाएगा तैमूर आगे मेरा क्या करेगा? खात्मा कर देगा, डे एंड चैप्टर का ही एंड कर देगा। तो बात भी सही है, जान से भर के थोड़े ना गद्दी उद्दी है। उसके बाद इसके मरने के बाद आएगा मुबारक शाह। इसका सक्सेसर मुबारक शाह। मुबारक शाह देखिए ये बंदा ठीक है। पहले हम लोग देखे कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, वो एक नंबर का बकलोल, नंगा वंगा घूमने चले जाता था कोर्ट में क्या। तो वैसे में उसको क्या किया था, खुसरो खान ने मार दिया था गाजी मलिक की मदद से। वहीं से गाजी मलिक यानी गयासुद्दीन तुगलक क्या किया, तुगलक वंश का संस्थापक, वहीं पे फाउंडेशन किया, समझे, वहीं पे फाउंडर बन गए वो। लेकिन वहाँ पे कौन था? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। लेकिन यहाँ कौन है? मुबारक शाह है। देखिए ध्यान में रखिएगा, तो मुबारक शाह बहुत कुछ भी किए ये उससे बेहतर थे। ये जैसे आए इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की। ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी का संस्थापक कौन है? खिजर खान। लेकिन इसका पहला सुल्तान कौन है? मुबारक शाह। इस बात को दिमाग में रखिएगा, मुबारक शाह पहला सुल्तान है, सुल्तान की उपाधि धारण की। ये भी ज्यादा कुछ काम नहीं किए। देखिए सैयद डायनेस्टी में कुछ काम किया ही नहीं ये लोग बगलन सब। तो उसके बाद फिर ये मरेगा, इसके बाद से आएगा अब देखिए ये नाम बहुत ही पहचाना हुआ लग रहा है। अब बताइए अलाउद्दीन खिलजी उसमें शासन किया, इसमें कौन है? अलाउद्दीन आलम। सैयद डायनेस्टी का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम। अब वहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी वंश में था, तो बहुत छोटा सा शासनकाल है उसका, भी 30 साल था, इसका 37 साल है। ये बकलोल के बारे में कुछ नहीं पढ़ना हम लोग को, बस इतना ध्यान में रखना पहले संस्थापक कौन थे, फाउंडर सैयद डायनेस्टी के खिजर खान। ये संस्थापक तैमूर का सूबेदार ही बन के रहा, कभी सुल्तान बना गया? कभी नहीं बना। पहला सुल्तान सैयद डायनेस्टी का मुबारक शाह, उसके बाद अंतिम शासक, बस इसलिए इसका नाम पढ़ना है, वरना कुछ नहीं किया ये लोग। कुछ भी किया ये लोग, थोड़ा बहुत मकबरा बनाया। मकबरा बनाने क्या फ़ायदा है? ये लोग कुछ भी किया, थोड़ा बहुत मकबरा बनाया समझिए, क्योंकि देखिए मकबरा भी बनाया। सबसे पहले मकबरा किसने बनाया था? फर्स्ट टाइम इन इंडिया हु कंस्ट्रक्ट मकबरा का काम किसने शुरू किया था फर्स्ट टाइम? तो वो थे इल्तुतमिश। उसमें हम लोग पढ़े थे कि पहली बार भारत में मकबरा किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने। लेकिन इस्लामिक पद्धति से, मतलब मुसलमान किस तरह से मकबरा बनाते हैं, इस्लामिक पद्धति से पहली बार मकबरा अगर किसने बनाया पूरी तरह से, तो वो था बलबन। बलबन क्या किया इस्लामिक तौर तरीके से?
लेकिन इसने पहले मकबरा बनाया इस्लामी तरीके से, इसने बनाया। अभी बगलोल मकबरे बना रहा है ना, फर्स्ट बना रहा है ना लास्ट बना रहा है, उसके बाद इधर डरिया पे मकबरा बना के जाएगा। ताजमहल इतना बेहतरीन खूबसूरत सा मकबरा है। ये तो इनमें से मतलब ज़्यादा कोई भी सवाल नहीं था। अब बताइए, था अभी तो थोड़ा बहुत ये भी आएगा तो बस इतना आएगा, सबसे पहला सुल्तान सैयद डायनेस्टी का मुबारक शाह अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम, उसके बाद संस्थापक कौन थे, संस्थापक इसे कौन है, खिजर खान, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो ये डायनेस्टी के बारे में देखिए, दरअसल ये दिल्ली सल्तनत का डायनेस्टी है, तो बस हमें इतना ही पढ़ना था, ठीक है। चलिए इसके बाद अब देखते हैं इसके मरने के बाद कौन मरेगा। अब अंतिम शासक इसको मारेगा, ये मरेगा नहीं बेचारा। ही वॉज डिफीटेड बाई बहलोल लोदी, इसको किसने मारा, बहलोल लोदी ने, बहलोल लोदी मारा। अब किस वंश का, किस वंश का स्थापना करेगा, लोदी वंश का, चुप रहोगे तुम। दिल्ली सल्तनत को आज पूरी तरह से खत्म कर देंगे, ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी, हम लोग खत्म करेंगे, पढ़ के खत्म करेंगे, खत्म कोई और पहले ही करके गया है। देख इसके बाद हम लोग लोदी वंश को देखते हैं। अब समझिए ये कब से कब तक रहेगा, 1451 से लेके 1526, ये अंतिम शासन, इसको आके थथुरेगा कौन, बाबर। अब कौन आ जाएगा, मुगल डायनेस्टी। इसका पहला शासक बहलोल लोदी, एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, बकलोल लोदी, वो इसी से आया है, बहलोल लोदी से। बहलोल लोदी ज़्यादा कुछ नहीं करेगा, बहलोल लोदी बेचारा, बेचारा नहीं बोल सकते क्योंकि अलाउद्दीन आलम को किसने मारा, बहलोल लोदी ने, ये उसको मार के अपना लोदी वंश का स्थापना किया, समझिए। वो एज द फाउंडर ऑफ लोदी वंश, लोदी डायनेस्टी, बहलोल लोदी। बहलोल लोदी बेचारे आदमी ठीक ठाक थे, ये ठीक ठाक इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि अपने दरबार में, इसके कोर्ट में जितना भी आदमी आता था, और सब राजा के कोर्ट में कोई भी जाता था तो होता क्या है कि कोई भी राजा के दरबार में किसी, राजा जैसे पहुंचते हैं सब खड़ा होता है, राजा बैठते हैं फिर सब अपने आप बैठता है, ऐसा रतन। लेकिन ये बेचारे इतने मतलब उस फील्ड में लोगों के प्रति अच्छे थे क्योंकि ये जैसे मतलब ये लोगों का इज्जत करते थे, दरबार में आया सब खड़ा है, सबको बैठने बोला फिर खुद बैठते थे, ये थोड़ा हट के थे। तो समझें तो बस इतना कि रिस्पेक्टेड पर्सन था, किसका इज्जत करता था, अपना जितना भी दरबारी था, पीपल ऑफ हिज कोर्ट, अपने कोर्ट के जितने भी लोग थे, चाहे मंत्री हो कोई भी हो, उनका इज्जत करते थे बेचारा, इतना है बहलोल लोदी में। इससे आगे देखेंगे बहलोल लोदी क्या क्या है, अपना बहलोली एक सिक्का चलाएगा, बात को समझिए, सिक्का दो तीन आदमी ही चलाया है, ये एक बार बकलोल कौन चलाएगा, इंडेक्स कॉइन, ये क्या नाम था उसका, MBT मोहम्मद बिन तुगलक, वो बकलोले है, वो एक नंबर का गधा था, लेकिन ये भी कॉइन चलाएगा, ये कॉइन चलाएगा बहलोली, इसका सिक्का अकबर के समय तक चलेगा, अकबर के समय के बाद इसका सिक्का बंद हो जाएगा, समझिए। लेकिन बहलोली सिक्का किसके समय काल तक चला, अकबर तक, मुगल काल में भी इसका बहलोली सिक्का चलेगा। होता क्या है, ये अपने, ये अपना एक नया कॉइन चालू करता है, कॉइन चालू करता है, पैसा ऐसे भी चलना चाहिए, पुराना पैसा चलते रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये लोग इसीलिए मुगल वाला भी आके पैसे को बदलाव नहीं किए, तो आके अकबर के समय तक चला। तो उसके बाद इसके पास, इसके वक्त में देखिए एक ही आक्रमण किया इन्होंने, पहले सबको क्या आता था, आता था अगल बगल में आक्रमण करता था, अपना राज्य विस्तार करता था, राज्य को बढ़ाना सबका काम था, लेकिन ये आया, ये मिलनी एक ही जगह पे आक्रमण किया, जौनपुर में, जौनपुर। अब एक बात बताइए, जौनपुर की स्थापना किसने की, एक ऐसा आदमी का नाम बताइए जिन्होंने 300 शहर बसाए, 300 शहर किसने बसाया था, FST MBT मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई, मोहम्मद बिन तुगलक का दूसरा नाम क्या था, जौना खान, जौना खान के नाम पे क्या बसाया, जौनपुर, जौनपुर पे इसने बहलोल लोदी ने एक बार आक्रमण किया था, बस इसमें और कुछ नहीं है, इसका ज़्यादा बड़ा काम नहीं था, इन्होंने भी ज़्यादा कुछ नहीं किया था, इन्होंने कुछ किया तो ये क्या करते थे, कोर्ट के जितने भी कोर्ट में लोग होते थे उनका इज्जत करते थे, एक कॉइन चलाया था जिसका नाम है बहलोली कॉइन, अकबर के समय तक चला, और उसके बाद इन्होंने जौनपुर में आक्रमण किया था, इससे बड़ा कुछ, इससे ज़्यादा इसके वक्त में कुछ नहीं। अब दूसरा वाला जो आएगा सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी, हाँ ये कुछ अच्छा अच्छा काम किया। देखिए सिकंदर लोदी में, सिकंदर लोदी ने हम लोग जानते हैं 1504 में
शायद जानते हैं, नहीं जानते भी होंगे, सेवन में पढ़े होंगे। 1504 में इन्होंने आगरा शहर की स्थापना की थी। सिकंदर लोदी, ध्यान में है क्या? ध्यान में नहीं है तो आज इस बात को ध्यान रखें। ये अपने समय में एक पत्रिका चलाई थी, पहले इसमें ध्यान रखिए। इन्होंने कौन सा शहर बसाया था? आगरा शहर। कब? 1504 में। इन्होंने अपने समय में एक पत्रिका चालू की थी, मतलब एक स्टेटमेंट आता था इनका, वो था गुलरुखी। समझ गए? गुलरुखी किसके किससे किसके चलाया किसका चलाया गया पत्रिका था? सिकंदर लोदी का। सिकंदर लोदी किस वंश के दूसरी शासक हैं? लोदी वंश के। ठीक है, इन्होंने क्या चलाया? पहले आगरा शहर का स्थापना किया, फिर गुलरुखी पत्रिका इनका आता था। ठीक, उसके बाद देखिए किस लोदी लोदियन लिखे, हाँ लोदियन लिखे। उसके बाद इनका थोड़ा बहुत कानून बहुत ही कठिन रहता था। देखिए कानून क्या कठिन रहता था, ऐसे ज़्यादातर देखते हैं कोई भी अगर शरियत से या हिंदू हर सभी के, देखिए सभी कल्चर में क्या होता है, ज़्यादातर कानून किसके लिए कठिन बन के आता है? महिलाओं के लिए। इन्होंने भी फीमेल के लिए, फीमेल को मजार जाने पर पाबंदी लगा दी थी। देखिए कोई भी कानून आता है किसके लिए आता है? अधिकतर लड़कियों के लिए। ऐसे लड़की घर से बाहर जाती है कोई अलग कपड़ा पहन के, तो लोग उस पर 10 बात बोलने लगते हैं। वैसे वहीं पे लड़का कैसा भी चले नो प्रॉब्लम, सबको अजीब लगता है। पता नहीं क्यों समाज में शुरू से ही ऐसा होता जा रहा है। ऐसा नहीं है सिर्फ मुस्लिम में ऐसा होता है, हिंदू में भी होता है। कर्नाटक में अभी तक एक मंदिर है शिवालिक, क्या नाम है, उसमें अभी तक महिलाओं को नहीं जाने दिया जाता है। उसी तरह से इन्होंने अपने समय में क्या किया था, मजार जाने पर पाबंदी लगा दी थी महिलाओं के लिए। ये कुछ पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना है। इन्होंने 1504 में क्या किया था, आगरा शहर की स्थापना की थी। इसके समय में एक इसका पत्रिका आता था स्टेटमेंट, मतलब गुलरुखी नाम से। ठीक है, इन्होंने महिलाओं को मजार जाने से पाबंदी लगा दी थी। और एक चीज, मुहर्रम में जो जुलूस नहीं निकलता है, ताजिया जिसको बोलते हैं, जुलूस निकलता है ना, एक सिया जात होता है, मतलब मुसलमानों में भी कुछ कैटेगरी है, बहुत सारा कैटेगरी है, सिख है, सिया है, सुन्नी, कौन कौन है पता नहीं, मतलब बहुत सारा है, इतना है कि मुझे खुद नहीं पता है कौन कौन है। ताजिया निकलता है मुहर्रम में, ताजिया देखे होंगे कि सिया लोग क्या करता है, बड़ा सा पता नहीं क्या रहता है उसके हाथ में, बलेट टाइप का, वो ऐसे ऐसे मारते रहते हैं, पूरे धकस देता है, पीठ वीट पूरी काट देता है। तो ये आके ये बोले कि ये सब काम हमारे शासनकाल में नहीं चलेगा, इन्होंने उसको बंद किया था। इन्होंने महिलाओं को मजार जाना बंद कर पाबंदी लगा दी थी। ये गुलरुखी चलाए थे, 1504 में आगरा का स्थापना किया। गाइस इतना देख लिया हम लोग, अब इसका अंतिम शासक को देखते हैं। सिकंदर लोदी के बाद अब कौन आएगा बाबर से मार खाने के लिए, आएगा कि नहीं? 3 नंबर पर अब्राहम लोदी। इसके बाद कौन बना? इब्राहिम लोदी। ये लोदी वंश के अंतिम शासक है, ये तो आप बहुत पहले से जानते होंगे। कब तक चलेगा? 1526 में इसको थदूर दिया जाएगा। देखिए ये बंदा ऐसा था, जैसे अभी हम लोग सरकार से बहुत ज़्यादा खफा है, आदमी सब खफा है क्योंकि सरकार काम ही कुछ ऐसा कर रही है। अब बताइए, तभी भी इब्राहिम लोदी जब सरकार, इब्राहिम लोदी के समय में इससे जनता बहुत ज़्यादा खफा थे, जनता के साथ साथ इसका अपना आदमी बहुत ज़्यादा खफा था, जिसमें दौलत खान लोदी, दौलत खान लोदी, उसके बाद इसका एक और था आलम खान लोदी, उसके बाद इसका जो अभी देखिए ये चाचा है, भतीजा भी होगा, आलम खान लोदी, ये राणा संगा से लड़ाई करता है। इसका युद्ध हमेशा किससे होते रहता है? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ राजा राणा संगा से, राणा संगा से हमेशा क्या एकदम कांटे का टक्कर चलता है दोनों का। तो अब बताइए, ये भी इसका दुश्मन, इसका अपना आदमी भी दुश्मन, इसका चचा भी दुश्मन, इसका प्रजा तो ऐसे दुश्मन है, इससे खफा रहता है बहुत ज़्यादा। ये लोग मेनली दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी, ये दोनों आइए राणा संगा सपोर्ट करता है। ये दोनों बढ़िया से बाजपता जाके प्यार से इन्वाइट करते हैं बाबर को, आप एक बार भारत आके देखिए, इसको मार के देखिए, हम लोग आपका साथ देंगे। ये लोग साथ देगा, है अपना आदमी, जब भी घर फूटता है तो बाहर वाला लुट के ही जाता है,
तो वो सोचता है कि मुस्लिम सब आज तक लूट के गया, ये लोग खुद मुस्लिम है, ये बकलोर सब खुद है कहाँ का है, अफगानिस्तान का। अभी अफगानिस्तान में किसका शासन चल रहा है, तालिबान का। तालिबान सब रहेगा तो एकदम मिट्टी मिट्टी का घर में, लेकिन डायलॉग बहुत बड़ा बड़ा छोड़ेगा, हम तो छोड़ेगा नहीं किसी को, उठा डालेगा। ये बकलोर सब मिट्टी का घर में रहता है, वो बम गिर गया ना फुस, तभी भी ये लोग कहाँ कहते हैं अफगानिस्तान, यानी तालिबान ही है ये लोग। ये सब कौन है, ये सारा का सारा अफगानिस्तान के आदमी है। उसके बाद तभी काबुल से बाबर को लगभग अपना रिश्तेदार ही मार कर भगा दिया जाता है, किसी तरह से वो भारत का गलबगल आते हैं, ये लोग इनवाइट करता है, इनवाइट करता है तो आएगा ना। एक ही कहावत है कि जब दावत मिले तो जाना चाहिए भाई, जाना चाहिए तो आएगा, आएगा तो तुम देगा तो दूर के पहले इसको मारेगा, फिर एक तरफ से सबको मारेगा, यूं भी ख़त्म, यूं भी ख़त्म। फिर कौन आ जाएगा, मुग़ल। हम लोग अब मुग़ल पे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग दिल्ली डायनेस्टी का सिमरी देखते हैं, ठीक है। दिल्ली डायनेस्टी में इतना ही कुछ था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए 2-2.5 घंटे का पूरे सारा, अगर वीडियो को लेक्चर का टाइम अगर ड्यूरेशन मिला के देखें 2-2.5 घंटे का, अगर 2-2.5 घंटे का आप क्लास अच्छे से कर लेते हैं ना, तो कम से कम इतना कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि क्वेश्चन एग्जाम में जो भी सवाल आए दिल्ली डायनेस्टी से वो आपसे बन जाएगा, इसका गारंटी हम लेते हैं कोई भी एग्जाम में। यार छोटा छोटा सा तो ये था टॉपिक, कोशिश कीजिए कि सारा का सारा दिल्ली डायनेस्टी का सारा वीडियो देख लीजिए, ठीक है। दिल्ली डायनेस्टी का समरी देखते हैं, दिल्ली सल्तनत, सॉरी दिल्ली डायनेस्टी बोलती यार। अभी तक कितना डायनेस्टी है यार पहले कौन आया, गुलाम, सलेब डायनेस्टी, सलेब डायनेस्टी, उसके बाद आएगा खिलजी वंश ऐसे ऐसे करके तुगलक, उसके बाद सैयद, फिर लोदी, है ना। अब इसमें देखिए दिल्ली डायनेस्टी में पहले हम लोग बात करते हैं कल्चर का। कल्चर में अगर हम लोग ध्यान देंगे दो चीज इसमें आएगा, मान के चलिए रूलर्स, जितना भी रूलर्स आए रूल किए वो सारे के सारे कौन थे, मुस्लिम थे। लेकिन लोग कौन था, जितना भी लोग थे यहाँ पे पहले से, यहाँ के पीपल कैसे किस तरह के थे, मैक्सिमम हिंदू थे ये लोग। ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो ज़्यादा सारे के सारे रूलर्स क्या थे, मुस्लिम थे। और जितने प्रजा को देखें तो वो लोग क्या है, हिंदू है। दूसरी बात करें रेवेन्यू का, पैसा कहाँ से आता था, रेवेन्यू का सोर्स क्या था, टैक्स। सबसे ज़्यादा टैक्स कहाँ से आता था, अभी भी कहाँ से आता है यार, सबसे ज़्यादा टैक्स एग्रीकल्चर से। उस समय सब ज़्यादा से ज़्यादा खेती ही करते थे, तो रेवेन्यू का सारा स्रोत कहाँ से होगा, वहीं से, टैक्स से ही। और तीसरे नंबर पे हम लोग देखें सैलरी देने का सिस्टम को देखते हैं, सैलरी, सैलरी में भी हम लोग 3-4 चीज़ देखेंगे। देखिए पहले क्या आया, ज़मीन मिल रहा था सैलरी में, बाद में ईयरली सैलरी मिलने लगा, उसके बाद मंथली हुआ। बात को समझिए, लैंड एक तातारी के तहत, जमीन किसके तहत मिल रहा था, इकतादारी के तहत। इसको लाया किसने था, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश वाला भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है यार। मकबरा बनाना शुरू किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, इल्तुतमिश के समय में इल्तुतमिश ने इकतादारी सिस्टम लाया, जिसके तहत आप देखें नहीं, इल्तुतमिश के मरने के बाद राजा सुल्तान यह बनेगी, राजा सुल्तान में इकतादारी के तहत मलिक यकूत, मलिक अल्तुनिया ये लोग जमींदार बन जाएगा, जिसके चक्कर में उसको शादी करना पड़ेगा एक जमींदार से, ठीक है। जमीन मिलता था पहले, उसको ख़त्म करके इकतादारी को ख़त्म किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी किसको ख़त्म किया, इकतादारी को ख़त्म करके मंथली देना शुरू किया था। लेकिन इकतादारी को ख़त्म किसने किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। और मंथली सैलरी देना शुरू किया किस तरह से, ईयरली, मतलब सालाना सैलरी देता था, मंथली नहीं देता था। लेकिन इसको ख़त्म किसने किया, अब इसको ख़त्म करेगा आपका फिरोज शाह तुगलक। देखिए एफएसटी आके क्या करेगा, ईयरली को ख़त्म करके मंथली देगा। ये बेचारा बहुत अच्छा अच्छा काम किया था फिरोज शाह तुगलक। इससे पहले जो मोहम्मद बिन तुगलक है ना, वो एक नंबर के बकलोले थे, और बकलोल के समय में बहुत सारा क्षेत्र ख़त्म हो गया था, तब फिरोज शाह तुगलक आके संभाला, नहीं तो तुगलक वंश ऐसे बिखर जाता।
इन्होंने नहर का जाल बिछाना शुरू किया था क्या, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक में अगर हम लोग देखें तो 300 से अधिक शहर बसाए थे, FSTA भी थोड़ा देर पहले भी देखें। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, 1200 से अधिक गार्डन बनाए, एकदम 1.5 लाख मतलब एकदम 1.8 लाख कम से कम इसका दासी था इनके पास, इसके लिए दीवाने बंदगान बनाया, कितना बेहतरीन सिस्टम से चला रहे थे, हर चीज़ सिस्टम के तहत चला रहे थे। खासतौर पर फिरोज शाह तुगलक बेहतरीन चला सकते हैं मेरे नज़रिए से, ठीक है। आप लोग समेरी को ध्यान में रखिएगा, ऐसे भी पूरे दिल्ली सल्तनत का एक बार ऐसे सब कुछ हो गया ख़त्म, एक बार टेस्ट ले लेंगे बस हो गया। चलिए दिल्ली सल्तनत में नेक्स्ट देखते हैं क्वाइन। क्वाइन दिल्ली सल्तनत में अगर सबसे ज्यादा चला है जीतल और टांका, लास्ट में क्या आया था जी, बहलोली, क्या बहलोली क्वाइन, बहलोली सिक्का जब आया वो ज्यादा दिन तक नहीं चला, वो अकबर के समय काल में चला। दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा चलने वाला सिक्का ये, इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, इल्तुतमिश ने। जीतल और टांका किसने इंट्रोड्यूस किया था, इल्तुतमिश ने। अगर देखें सबसे ज्यादा तो यही दोनों पैसा चला था इस समय में। अगर कोई लैंग्वेज सबसे ज्यादा हुआ फेमस था, लैंग्वेज पर्शियन फारसी समझे, इस समय पर्शियन लैंग्वेज सबसे ज्यादा प्रचलित था, क्योंकि अधिकतर लोग कहाँ से आते थे, अरब कंट्री से, अरबी बोलने वाला, फारसी बोलने वाला, वही सब थे, ठीक है। इसके समय काल में एक पोएट बहुत ज़्यादा फेमस हुए दिल्ली सल्तनत में, उसका नाम है, आप लोग भी जानते होंगे, किताबुल तोता हिंद जो कहा जाता है, आमिर खुसरू उस समय के सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध क्या थे, पोएट थे। आप लोगों का कोई गारंटी नहीं है, पोएट भी नहीं लिख सकते, हो सकता है। आमिर खुसरू आए थे किसके समय काल में, देखिए सबसे ज़्यादा मतलब लगभग 7-8 शासक तक ये रहे थे आमिर खुसरू, आए थे बलबन के समय में, बलबन। अब बताइए बलबन किस डायनेस्टी का शासक था, गयासुद्दीन बलबन, उलगू खान का दर्जा दिया गया था इसको। चलिए कोई नहीं, आप लोग सोचते रहिए इस बात को, ठीक है यार, लिख के याद कर लीजिएगा ठीक से। ये आए थे बलबन के समय में, इनको क्या कहा जाता है, तोता ए हिंद। बेचारा बहुत अच्छा आदमी थे आमिर खुसरू साहब, बहुत अच्छे आदमी थे मेरे लिए, दिल से नमन आपके लिए, ठीक। तोता ए हिंद कहा जाता था, इसका गुरु जी का नाम बताइए, ही वॉज स्टूडेंट ऑफ, ये किसका स्टूडेंट थे, निजामुद्दीन औलिया का, निजामुद्दीन औलिया से याद आया, अलाउद्दीन खिलजी कादरी को समाप्त करके इनसे भी जमीन मांगने गया था, लेकिन मिला क्या, बाबा जी का टुल्लू। इनका मकबरा कहाँ है, मतलब मरने के बाद इनको दफनाया कहाँ गया, देखिए निजामुद्दीन है कहाँ, दिल्ली में। निजामुद्दीन साहब की मृत्यु के बाद इनको कहाँ दफनाया गया है, वहीं पे निजामुद्दीन औलिया के इसमें, निजामुद्दीन में ही। निजामुद्दीन औलिया का बहुत बड़ा सा क्या है, वहाँ पे बड़ा मस्जिद है निजामुद्दीन औलिया नाम है, ठीक है, वहीं पे उसका मकबरा भी है। इसका भी कहाँ है, दिल्ली में ही है, किसके नज़दीक में, निजामुद्दीन औलिया के मकबरा के जस्ट नज़दीक में। गाइस हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत का सारे टॉपिक को अच्छे से कवर किया, ठीक। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर कोई समस्या हो तो कमेंट में आप लोग बता सकते हैं, ठीक। हम लोग अभी तक क्या किए कि अपना ये जो चैनल बनाया है जिलानी पॉइंट, ये आपके सहूलियत के लिए बनाए हैं, आपको ताकि फ़ायदा हो सके, मतलब आप लोग भी पढ़ सकें ठीक ठाक से। देखिए सारा चैप्टर का नोट आपको कहाँ मिलेगा, जिलानी पॉइंट का, जिलानी पॉइंट एक इंस्टाग्राम आईडी भी है, इंस्टाग्राम पेज में जाइए आप, वहाँ से आप सारा का सारा नोट ले लीजिए। आप इस चैनल को मेरे ख्याल से थोड़ा प्रमोट भी कीजिए, क्योंकि हम आपसे पहले भी नहीं कहे हैं ये बात, ठीक है गाइस, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक। और सारा का सारा नोट कम्प्लीट कीजिए, और आई होप अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है, इसको भी एक बार नोट कर लीजिए। ओके बाय, थैंक यू, टेक केयर।